बिहार की राजधानी पटना के निवासियों के लिए जेपी गंगापथ किसी सौगात से कम नहीं है। गंगापथ को लोग बिहार का मरीन ड्राइव कहते हैं, क्योंकि इसे मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाया जो गया है। जब से जेपी गंगापथ का उद्घाटन हुआ है, तब से यहां लगातार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वीकेंड पर शनिवार और रविवार को मरीन ड्राइव पर मेले सा नज़ारा देखने को मिल जा रहा है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ शाम के वक्त यहां घूमने और फुर्सत का दो वक्त बिताने आते हैं। मरीन ड्राइव पर रविवार की शाम को गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखती हैं। पर्यटकों को बिहार का मरीन ड्राइव खूब भा रहा है, जिसे देखते हुए इसे मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि इस मरीन ड्राइव पर पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें सबसे पहले गाड़ियों को पार्क करने के लिए पार्किंग प्लेस बनाया जाएगा। साथ ही कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, ताकि जो भी लोग मरीन ड्राइव घूमने आए वो सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सके। वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल और प्रबंध निदेशक कवल तनुज और अन्य अधिकारियों के साथ जेपी गंगापथ का दौरा किया। वह निरीक्षण के बाद पर्यटन मंत्री ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग गंगापथ को विकसित करने की योजना बनाएगा। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट, फ्लोटिंग जेटी, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और पर्यटकों के विश्राम के लिए तमाम सहूलियतों का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विभाग का प्रयास होगा कि जल्द ही इस योजना को धरातल पर उतारा जाए। तो बता दें, मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाए गए पटना के मरीन ड्राइव पर पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें सबसे पहले गाड़ियों को पार्क करने के लिए पार्किंग प्लेस बनाया जाएगा। साथ ही कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, ताकि जो लोग यहां पर घूमने आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो यहां पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकें। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।